सी प्रोग्राम, इस सी प्रोग्राम के अकॉर्डिंग कोई भी यूजर मैसेज डिस्प्ले कराना, मे बी हेलो वर्ल्ड वेलकम लाइक दैट, बट विदाउट यूजिंग सेमी कॉलन्स। मैंडेटरी कंडीशंस क्या गिवन है? विदाउट यूजिंग सेमी कॉलन्स। विदाउट यूजिंग सेमी कॉलन मीन्स इफ के बॉडी के रिस्पेक्ट में बात करें, इफ का बॉडी पार्ट टर्मिनेट करने के टोटल नंबर ऑफ अप्रोच कितने आपके पास? देयर आर टू वे, आइदर बाय यूजिंग सेमी कॉलन और बाई यूजिंग करली ब्रेसेस। और इफ के बॉडी पार्ट में आपको कोई भी स्टेटमेंट प्रोवाइड नहीं करना है, या ओनली सिंगल स्टेटमेंट प्रोवाइड करना है, इसको इफ बॉडी टर्मिनेट करो वो ऑलवेज बाई यूजिंग सेमी कॉलन। बट सपोज दैट इफ के अंदर वन मोर केस, अरे एक से ज़्यादा स्टेटमेंट प्रोवाइड करना है, ओनली सिंगल स्टेटमेंट प्रोवाइड करना और कोई भी स्टेटमेंट प्रोवाइड नहीं करना, देन आप यूज क्या कर सकते हो? करली ब्रैकेट्स। इस कर्ली ब्रेसेस सभी सिचुएशन में वर्क करेगा, लेकिन सेमी कॉलन किसके लिए अप्लाई करूँ? ओनली फॉर सिंगल स्टेटमेंट। इन दैट केस दूसरा केस, डिस्प्ले क्या कराना है? सब मैसेज, मैसेज को डिस्प्ले कराने के लिए ऑलवेज यूज क्या करेंगे? प्रिंट एफ फंक्शन। सो ऑलरेडी पता है इफ के कंडीशनल पार्ट में किसी भी टाइप के नॉन वॉइड फंक्शंस को कॉल करना पॉसिबल है, देन सिमिलरली इस केस में प्रिंट एफ हेलो मैसेज बॉडी पार्ट में प्रोवाइड ना करके प्रोवाइड क्या करें? ऑन द हेडर पार्ट। मीन्स इफ कंडीशंस कितने पार्ट्स में डिवाइड है? टू पार्ट्स, इफ हेडर एंड इफ बॉडी। और कोई भी स्टेटमेंट बॉडी पार्ट में प्रोवाइड करो देन सेमी कॉलन से टर्मिनेट करना कंपलसरी। मीन्स प्रिंट एफ हेलो मैसेज बॉडी पार्ट में प्रोवाइड नहीं करें, इसको शिफ्ट क्या करें? ऑन द हेडर पार्ट। अगर सेम स्टेटमेंट हेडर पार्ट में प्रोवाइड करो देन हेडर के अंदर कभी भी सेमी कॉलन प्रोवाइड करने की नीड नहीं। तो सिंपली इस प्रोग्राम को ईजिली बनाना पॉसिबल है। Void main opening, then if conditions के according, conditions real में कुछ भी apply करने की जरूरत नहीं, only इस केस में place क्या करेंगे? body session, body के अंदर provide क्या करना था? printf hello। अब same printf hello message body part में provide नहीं करके provide करेंगे inside as a conditional part, because इस केस में printf statement valid case होगा, क्यों? आप already sure हो printf के cases में रिटर्न क्या होगा? नॉन जीरो और जीरो नंबर्स। मीन्स जीरो रिटर्न हुआ, नॉन जीरो रिटर्न हुआ, दोनों से रिप्रेजेंट क्या हुआ? सम कंडीशंस। नेक्स्ट वन, लेकिन वन थिंग क्लियर होगा इस केस में, जैसे ही इफ का कंडीशन टेस्ट होगा तो कंडीशंस के अकॉर्डिंग चांस किसको प्रोवाइड होगा? गिवन प्रिंट एफ स्टेटमेंट, जब प्रिंट एफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो उससे मैसेज क्या डिस्प्ले जाएगा? हेलो मैसेज। प्लस ये रिटर्न क्या करेगा? नंबर ऑफ प्रिंटेड सिम्बॉल्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करें, सबसे पहले अप्लाई किया हुआ कंडीशन टेस्टिंग प्रिंट एफ के केस में श्योर है, प्रिंट एफ फंक्शन के रिस्पेक्ट में टू स्टेप्स परफॉर्म करने की नीड होगी। फर्स्ट स्टेप डिस्प्लेइंग गिवन मैसेज ऑन द मॉनिटर, इसके अकॉर्डिंग मैसेज क्या प्रिंट हो रहा है? हेलो ऑन द मॉनिटर विंडो। हेलो के केस में बात करें टोटल नंबर ऑफ सिम्बॉल्स कितने प्रिंट हुए? फाइव। इसलिए ओवरऑल इफ कंडीशन में प्रिंट एफ के प्लेस पर रिप्लेस किया हुआ नंबर ऑफ डिस्प्लेड सिंबल्स फाइव। फाइव मीन्स नॉन जीरो वैल्यू, नॉन जीरो मीन्स कंडीशन इज ट्रू, ट्रू है देन कंट्रोल कांस्टेंट हुआ इनसाइड बॉडी, लेकिन बॉडी पार्ट इसका एम्प्टी है। मीन्स इस केस में मैसेज क्या प्रिंट हो चुका है? हेलो विदाउट यूजिंग सेमी कॉलन। इस प्रोग्राम में अगर आप ऑब्जर्व करो कहीं भी किसी भी टाइप का कोई भी सेमी कॉलन प्रोवाइड नहीं किया, विदाउट सेमी कॉलन कोई भी मैसेज टाइप से कॉन्सेप्चुअली और लॉजिकली डिस्प्ले कराना पॉसिबल है।